हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क 18 लेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाके जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क 18 शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में आज तकरीबन 7.5% से ज़्यादा का तेजी हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, उसके थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हम लोगों को जरूर देखने को मिला, बट अगेन बहुत ही शार्प मोमेंटम आया और फाइनली स्टॉक जो है आपको मोस्टली साइडवेज ट्रेड किया मॉर्निंग मार्केट के मोमेंटम के बाद। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी लास्ट में हम लोगों को देखने को मिला। फाइनली स्टॉक 73.40 रुपीज पे क्लोज हुआ। तो आज इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो आगे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहां तक का टारगेट हम लोगों को शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के सेशन में ये वीकली चार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो रिसेंट टाइम में स्टॉक में जो है आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है ऊपर के लेवल से। अगर हम लोग बात करें तो 110 से लेके 120 इस रेंज में स्टॉक के पास एक अच्छा रेसिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया और उसके बाद से इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको लास्ट 6 मंथ से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज है ऊपर की साइड 78 का रेंज, नीचे की साइड 60 का रेंज। 60 का लेवल इससे पहले भी आपको एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता था, जहां पे कि करेंटली स्टॉक जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहां पे अगर देखेंगे रिसेंट टाइम में मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और फाइनली इसी रेंज में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। इस वीक में एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का ये कैंडल अगर यहाँ पे आपको 78 या फिर 79 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को इमीडिएटली जो है आपको 25-30 पॉइंट का एक अच्छा अपमूव ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में आप यहाँ पे जो है 60 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेना है तो फिर आपको वेट करना चाहिए इस कैंडल के क्लोज होने का, या फिर एटलीस्ट कल 3:15 PM तक आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर स्टॉक आपको 79 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फिर आप यहां पे इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, नीचे के लेवल से आपने बाई कर रखा है, कंटिन्यूसली अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो आप यहां पे कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब